अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए राहुल गांधी भी संसद में मौजूद रहेंगे। आज भी वह संसद में मौजूद हैं। जितनी तेजी से राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई, उसके ही अनुपात में सदस्यता बहाल करने का निर्णय ले लिया गया। मिली खबरों के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने आज सुबह 7 बजे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी और 10 बजे राहुल गांधी संसद में आ गए। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को इससे बल मिला। बता दें, इंडिया आई NDIA के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संसद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही होगी, तब राहुल गांधी सामने से संसद में मौजूद होंगे। वहीं राहुल गांधी पिछले 2 वर्षों में पक्ष और विपक्ष के सीमित बहस से आगे एक रचनात्मक पहचान बनाते जा रहे हैं। सजा माफी के बाद कांग्रेस भवन में आने पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इशारे पे विजय यानी विक्ट्री यानी वी का सिंबल बनाना टाल दिया। राहुल गांधी को सजा दिलाने में भाजपा के नेता पुर्णेश मोदी ने मुकदमा किया था और जिसने बाद में शायद सेशन कोर्ट में अनुकूल जज को न पाकर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्यवाही रुकवाने के लिए आदेश ले लिया था और फिर जब प्रमोट करके एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूरत सेशन कोर्ट में लाया गया, तब फिर से पुर्णेश मोदी ने अर्जी देकर मुकदमे की कार्यवाही शुरू करवाई थी। अदालत ने इस मामले में पिछले सारे मुकदमा के रिकॉर्ड पर ध्यान दिए बिना उन्हें सबसे अधिक सजा दिलवाई थी। वहीं न्यायिक प्रक्रिया पर भी उंगली उठ रही थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने की इस खबर के बाद हम खबरों के पीछे और खबरों के आगे एक छोटी रिपोर्ट साथ साथ दे रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ी देर तक इस वीडियो पर बने रहना होगा। राहुल गांधी की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के ठीक बाद विमर्श न्यूज़ पर एक लंबे इंटरव्यू में पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र कुमार ने कहा था कि भाजपा की हालत सांप छुछुंदर की हो गई है। वहीं भूपेंद्र कुमार ने यह भी कहा था कि इस वजह से शासन में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और राहुल गांधी मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने के बाद बीजेपी की स्थिति सांप छछुंदर की हो गई है। डिफेमेशन का कानून इसमें लगता ही नहीं है। दूसरी बात है कि डिफेमेशन के अपवाद में ही लिखा हुआ है कि जो पब्लिक गुड में बोला जाए वह जो है डिफेमेशन नहीं होगा। अब बीजेपी ने ही राहुल गांधी को शेर बना दिया और जहां कहीं राहुल गांधी जाएंगे या उनके लोग जाएंगे, जनता उनका स्वागत करेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के ठीक बाद यह रोचक चर्चा शुरू हो गई है कि आगे भी यह तेजी बनी रहेगी क्या। वहीं दोषी करार दिए गए भाजपा सांसद रामाशंकर कटोरिया की सदस्यता खत्म करने में लोकसभा सचिवालय कितना समय लेगी। वहीं रामाशंकर जी इटावा से बीजेपी के सांसद हैं। हरि पर्वत थाना इटावा के चार्ज सीट के बाद बहस पूरा होने पर रामाशंकर कटोरिया को अदालत ने 2 वर्षों के कैद की सजा दी है। इसके पहले सितंबर 2013 में लालू प्रसाद को 4 वर्ष की सजा मिली थी और उसके 22 दिनों बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। इसके ठीक बाद अक्टूबर 2013 में कांग्रेस कोटा से राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को MBBS सीट घोटाला में 4 साल की सजा मिली थी। 20 दिनों के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त हुई थी। बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता जब समाप्त की जा रही थी उसी समय लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल केरल हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर सजा से बरी किए गए थे। आपको बता दें, मोहम्मद फैजल को
पुनः लोकसभा में आने के लिए 55 दिनों का इंतजार करना पड़ा था। इस बीच चुनाव आयोग ने 8 सीट पर फिर से चुनाव की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद फैजल को कोर्ट से उपचुनाव पर रोक लगवानी पड़ी थी।